तो हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 40 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड यार आज काफी क्रेजी व्लॉग होने वाला है क्योंकि ये नंबर 40 है। हाँ मतलब 40 होना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए 40 व्लॉग्स बनाना ही अपने में एक अचीवमेंट है ना। एनीवेज वो सब बकवास अपन साइड में करते हैं, अभी मैंने व्लॉग तो चालू कर दिया पर मैं नाश्ता कर लूंगा कॉफी वगैरह पी के, फिर आगे का देखेंगे। ओके सो अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब खत्म हो चुका है, तो अभी मैं सबसे पहले तो अपना डेली शेड्यूल बनाऊंगा, फिर उसको मैं प्रॉपरली फॉलो करके खत्म करूंगा। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो भाई मेरी स्ट्रेटेजी यही है, बस डेली टारगेट्स बनाओ और उसे खत्म करो। ओके सो आज का यही है सब, फिजिक्स का लेक्चर करना है और आज उसकी डीपी भी नहीं आने वाली है, तो उसके बदले मैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा आज, और बाकी वही केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अपना अपना है सब। वैसे एमआर सर के लेक्चर की यही एक खास बात है कि वो ना क्वेश्चंस लेक्चर में ही बहुत ज्यादा करा देते, कभी कभी तो वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए अलग अलग लेक्चर लेते और डीपीपीज में कम क्वेश्चन देते, सो उससे होता ये कि लेक्चर में ही बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट पता चल जाते क्वेश्चन के थ्रू। तो ठीक है अभी इसे रखता हूँ मैं और अपन आगे बढ़ते। ओके तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा एंड साथ ही मैं ऐसे गाने सुनते रहूंगा मैं स्टडी म्यूजिक वाले, बिकॉज उससे अच्छी वाइब्स आती है स्टडी की, तो मैं मोस्टली ऐसे सेल्फ स्टडी के टाइम पे ना स्टडी म्यूजिक सुनता रहता हूँ। एंड या इसमें से केमिस्ट्री का ना मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ही रखे थे लेवल 1 के, तो अभी मैं लेवल 2 के क्वेश्चंस करूंगा, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं। ओके सो मेरा जो डेली शेड्यूल है ना वो कुछ लोग के हिसाब से बहुत ज्यादा होगा और कुछ लोग के हिसाब से बहुत कम होगा, बट मेरे हिसाब से वो एक एवरेज और बेसिक शेड्यूल है, बिकॉज इतना आपको करना पड़ेगा ही, इससे कम तो बिल्कुल नहीं करना एंड इससे जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। पर फिलहाल के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले इतना तो कवर कर ही लूंगा, उसके बाद कभी कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और बाकी जब टेस्ट आता है तो अपन टेस्ट के टाइम पे ऑफकोर्स इससे ज्यादा ही प्रैक्टिस करते हैं। सो ये तो बस डेली का शेड्यूल है मेरा, बाकी मेन तो अपन टेस्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, जितने टेस्ट आते हैं हर टेस्ट पे बराबर जितना सिलेबस आता है ना उतना सिलेबस खत्म करके ही टेस्ट देता हूँ, तो उससे एक मेरी प्रॉपर रिवीजन भी वही हो जाती है और सारे टॉपिक्स तो मैं पूरे वीक में कवर कर ही लेता हूँ, इसीलिए मैं इतना बेसिक शेड्यूल रखता हूँ ताकि ऐसा ना हो जाए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के चक्कर में मेरे लेक्चर छूट जाएंगे और फिर टेस्ट के टाइम मुझे पता चलेगा कि अरे यार मेरा ये चैप्टर ही करना बाकी रह गया था। ओके सो मेरा केमिस्ट्री का मॉड्यूल यहाँ पे हो चुका है। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाया क्योंकि ऑफकोर्स लेवल 2 था तो क्वेश्चंस भी हार्ड थे और करने को भी ज़्यादा टाइम लग गया, पर या मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अभी तो यार देखो टाइम भी हो चुका है काफ़ी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी खाना खा लेता हूँ देन फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके मैं बायोलॉजी करूँगा। ओके तो मैंने खाना खत्म करके थोड़ा रेस्ट भी ले लिया, अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं बायोलॉजी करने वाला हूँ ना, तो मैं एनसीईआरटी बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं उसका डीपीपी करूंगा, फिर जो क्वेश्चंस रॉन्ग रहेंगे एंड जैसा भी जो रहेगा उसका मैं एनसीईआरटी रीडिंग मार लूंगा, एंड बायोलॉजी में भी मैं सबसे पहले करने वाला हूँ जूलॉजी, बॉटनी का बाद में देखूंगा। तो चलिए करते हैं, जितने डीपीपी हो पाएंगे उतने करूंगा, और बाकी तो हाँ अभी तक सबने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर ही दी होगी क्योंकि अब वैसे भी अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड यार अगर अब तक अपनी प्रिपरेशन चालू नहीं की है ना तो मैं तो बोलता हूँ अभी कर लो, और अभी सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो यार हम में से हर किसी का कोई ना कोई सपना तो जरूर होता है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग सुबह शाम दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और सोचो कि अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको ये सपना पूरा करने में आपका साथ देगा, जो देगा आजादी हर मुश्किल को आसान बनाने की, और देगा आजादी नए सफर नए मंजिल की और बढ़ने की। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली हमारे फिजिक्स वाला की, जो हमें हमेशा से देता आया हैशटैग सपने देखने की आजादी। एंड इसीलिए इस आजादी के अवसर पर पीडब्ल्यू लाए ढेर सारे उपहार, जिसमें कि पीडब्ल्यू के सारे बैचेस में भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें 12th के बैच की जिसका नाम है परिश्रम। देखो यार सीन ऐसा है
कि आईआईटी या फिर एम्स में जाने के लिए ना हमें हमारा बेस मजबूत करना होगा। एंड ये चीज पीडब्ल्यू बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि यार हमारे कॉम्पिटिटिव फ्यूचर की तैयारी क्लास 12 से चालू होती है। इसीलिए ना पीडब्ल्यू ने इस बैच में इंडिया के टॉप टीचर्स दिए जो आपका हर सब्जेक्ट में बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिसकी क्लासेस 31 जुलाई से चालू हो चुकी है। तो इसीलिए यार जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो, क्योंकि अब वैसे भी भारी भरकम डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आप अभी ये परिश्रम 2.0 ज्वाइन करते हो ना, तो आपको इसके साथ 1.0 वाला बैच भी फ्री मिलेगा। देखो इस बैच में ना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा हफ्ते में 5 दिन, और क्लास के ड्यूरेशन होगा 1 hour 45 minutes का। एंड आपको ना हर लेक्चर का PDF तो मिलेगा ही, साथ ही साथ डेली असाइनमेंट भी मिलेंगे, जिससे कि आपने जो लेक्चर में पढ़ा है ना वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ ही साथ डाउट इंजन भी मिल जाएगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। पर अगर बात करें कि ये सब मिलेगा कहाँ पे, तो ये सब मिलेगा आपको पीडब्ल्यू ऐप पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और याद रखना, कोई भी बैच खरीदने से पहले अपने भाई का कूपन कोड यूज कर लेना, ANSHU यानी कि अंशु, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 150 rupees का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, आपने ये सारे फीचर्स तो जान लिए, पर आपको ये तो लग रहा होगा ना कि इतनी सारी चीजें कितने में मिलेगी। तो इस बैच की अभी की प्राइस 2500 rupees नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1800 rupees है भाई, मतलब सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैच है ये। तो जल्दी से जाओ और अपनी 12th की प्रिपरेशन स्ट्रांग बनाओ। और हाँ, ये भी चीज याद रखना कि पीडब्ल्यू स्टोर पे भी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है अब तक, तो आपको जो भी मटेरियल्स बाय करने अभी बाय कर लो भारी भरकम डिस्काउंट के साथ। एंड यस, फिर याद दिला दे रहा हूँ, अपने भाई का कूपन कोड मत भूलना, ठीक है? ओके गाइस, तो मेरा DPP भी हो गया था, उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत गए थे मैंने NCERT में वो चेक कर लिया पूरा अच्छे से, और अभी इसके बाद तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा, फिर थोड़ा बहुत एडिट करके चला जाऊंगा जिम। तो अब आप लोग से सीधा जिम के बाद मिलूंगा। ओके, सो मैं अभी घर पहुंच के फ्रेश हो चुका हूँ, एंड थोड़ा बहुत नाश्ता भी मैंने कर लिया। अभी तो वैसे मेरा एक वीडियो प्रीमियर पे रखा था मैंने, तो अभी वो आने ही वाला है, तो मैं वहाँ पे आप सबकी रिप्लाइज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे पढ़ने बैठूंगा। तो भाई चलो, वीडियो का प्रीमियर भी खत्म हुआ, मस्त इंटरेक्शन हुआ आप सबसे, पर यार कुछ लोगों के मैं रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज बहुत सारे चैट्स होते हैं, सो ऑफकोर्स मैं हर किसी का नहीं देख पाता। तो आप लोग ना बाद में कमेंट्स में लिख दिया करो, ठीक है, वीडियो कैसा लगा या फिर बाकी आपको जो भी डाउट्स लिखने होते ना वो लिख दिया करो। तो अभी तो मैं फिजिक्स का लेक्चर करूंगा सबसे पहले, उसके बाद आप लोग से आराम से मिलता हूँ, देखते हैं इसको खत्म होने को कितना टाइम लगता है। बाकी मुझे एक बात पूछनी थी कि मेरे पास ना मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे ट्रिक्स है, तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक की सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं इसके भी सारे ट्रिक्स डाला करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, सो मुझे कमेंट में वो भी बता देना, ठीक है? एंड तब तक के लिए आप लोग बाकी के ट्रिक्स चेक मार लेना। ओके, तो चलो यार ये लेक्चर तो खत्म हुआ। वैसे जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था ना कि MR सर या तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए थैंक यू बोल के भाग जाएंगे, या तो कभी कभी वो भी नहीं बोलते, मतलब लास्ट सेकंड तक भी वो पढ़ाते रहेंगे। टैलेंट है भाई MR सर का, ऐसे ही थोड़ी उनको सब लोग क्लास का गुंडा बोलते हैं यार। ओके, सो यार वैसे अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, तो मैं सबसे पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर बचा था वो करूंगा। ओके, तो चलो अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो अभी चल रहा है ना, मैं उसके लेक्चर करूंगा। एंड वैसे तो आज के लेक्चर में KBD नहीं है, तो आज सिर्फ थियरी वगैरह ही ज्यादा चलेंगी, तो इसीलिए मैं मॉड्यूल वगैरह सब अच्छे से लेके बैठ जाता हूँ, ताकि उसकी रीडिंग भी साथ में हो जाएगी। तो वैसे अभी ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी खत्म होने वाला है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, उसके बाद आयनिक चलेगा,
और फिर जल्द ही फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, देन आई गेस ऑर्गेनिक चालू होने वाला, यकीन 2.0 बैच की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी 3.0 वगैरह का मुझे उतना अंदाजा नहीं है फिलहाल। सो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम ऑर्गेनिक किससे करने वाले हो, इनऑर्गेनिक किससे करने वाले हो, तो उसका तो वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अल्फा वर्सेस लेजेंड का, बट स्टिल मैं यहाँ पे भी बता ही देता हूँ कि अब ऑर्गेनिक तो मैं ऑफकोर्स पंकज सर से ही करूंगा, इनऑर्गेनिक का मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है कि मैं किससे करने वाला हूँ, तो वो तभी देखा जाएगा, अभी के लिए तो ऑर्गेनिक ऑफकोर्स अपने पंकज सर से ही। तो गाइस चलो फिजिकल केमिस्ट्री का भी ये वाला लेक्चर पूरा होता है एंड इसी के साथ आज का जो डेली शेड्यूल था वो भी पूरा हो चुका है मेरा। सो अभी मैं इन सबको रख के सीधा सोने ही जाऊंगा बिकॉज टाइम भी हो चुका है एंड कुछ बातें आपको और बतानी है, पर उससे पहले मैं बुक रख लेता हूँ, ठीक है जाना मत। तो यार आज के वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो स्क्रीन पे वीडियोस दिख रहे ना ये भी देख लेना, आई नो कि आपको ये भी अच्छा लगेगा। और यार मैंने सुना है कि अपन 8K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो जाके एक बार चेक कर लो, अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके उसे 8K बना देना, और अगर 8K हो चुका होगा तो भी सब्सक्राइब कर दो ताकि अपन 9K भी पहुंच जाए बहुत ही जल्दी। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा ना तब तो यार आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है मिलते अगले वीडियो में, ओके बाय, और मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ठीक है।